हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये इजी मेथड है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम दो इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन मिल गई, ओके। सो हम जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं उस दौरान हम एक इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको या इसको। हम इसको ले लेते हैं क्योंकि इससे हमारे यहाँ पे खाली एडिशन होएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 3 प्लस वाई, ये बन जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को हम दूसरे में पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ली थी सेकंड इक्वेशन, तो हम इसमें हम जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको हम सेकंड में पुट नहीं करेंगे, हम उससे अलग वाली, अब हमने सेकंड से बनाया तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। सो बाय पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके। Then we get 3 plus y equals to 7. और यहाँ पर आएगा 2y equals to 7 minus 3. And we get the value of y equals to 2. Okay? अब हम इस वैल्यू को, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई है 2, हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे आगे, पुट y इन थर्ड इक्वेशन, तो हमारा यहाँ पर आएगा हमारी वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 5। क्लियर स्टूडेंट्स, यह है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको अच्छी तरह कर लेना क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपको इस मेथड से करना है। इस चैप्टर में 3 मेथड है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस होते हैं हमारे चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड के या एलिमिनेशन मेथड के। स्टूडेंट्स, नाउ कम्स टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3, सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें जो ये इक्वेशंस दी जाएंगी हमें उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दो हैं, तो हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, देन वी गेट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, थर्ड इक्वेशन। अब हम इसमें तो पुट नहीं करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद आया हमारा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, यानी कि 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, और हमारी यहाँ पर फाइनल में जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारी 5। अब हम यहाँ पर जो y की वैल्यू है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन वी गेट x की वैल्यू 9। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनल में हमारी आ चुकी है 9 एंड 5। नेक्स्ट s माइनस t इक्वल्स टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। s माइनस t इक्वल्स टू 3 होगी फर्स्ट इक्वेशन एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6 है। हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारे यहाँ पर 6 और ऊपर बना हमारा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर 6 को हम दूसरी साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहीं हमारी सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसे 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फिर हमारा यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36, यानी कि 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, और यहाँ से हमारी फाइनल में t की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 9, यानी s की वैल्यू होगी 9 और t की वैल्यू हो गई हमारे यहाँ पर 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टू नेक्स्ट वन, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सिडेंट लाइन है, यानी इसके मैंने सॉल्यूशन है, बट अगर हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करें तो इसका हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका एक रीज़न है कि
क्योंकि हमारे जो लीनियर इक्वेशन होती हैं जिसका हमारा सॉल्यूशन निकलता है यानी इंटरसेक्टिंग लाइन का, उसमें जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो अलग अलग होती है, लेकिन इसमें एक इक्वेशन में ना एक ही नंबर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारा एक स्टेबल रिजल्ट नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा देता हूँ। 3x - y = 3 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 9x - 3y = 9, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन 3x - y = 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सी इक्वेशन ले लो, मैंने फर्स्ट ले ली तो बना हमारा 3x + 3 = y। अब हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा हमारा 3x - 3x + 3 = 3, 3 से 3, 3x से 3, 6 तो 0 = 0। सो हमारी यहाँ से y, तो हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, y = 3x + 3, और इसलिए ये हमारी इसकी इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका हमारा कोई स्टेबल रिजल्ट कभी हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सम 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड 0.4x + 0.5y = 2.3। अब यहाँ से 0.1 दोनों साइड कॉमन ले लेते हैं, और 0.1 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर जाता है, तो बना हमारा 2x + 3y = 13 फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर सेम करते हैं, 0.1 को ये दोनों में 0.1 कॉमन है तो हमने ले लिया, और यहाँ पे 2.3 0.1 से मल्टीप्लाई है तो उसको भी ले लिया। अब इससे ये कैंसिल आउट, तो बना हमारा 4x + 5y = 23, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लिया, तो बना हमारा यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई हमारी x = 13 - 3y / 2, बिकॉज जो 3y हमारा यहाँ पे प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो 2x या मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में चला गया। अब हमने थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करा, सो वी गेट 26 - 6y + 5y = 23 एंड नेक्स्ट वी गेट 26 - 23 = y। हमने एक दूसरे की जगह इक्वल्स टू में चेंज कर दिया इनको, सो वी गेट y = 3। अब इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा 13 - 9/2 यानी कि 4/2, और x की वैल्यू आगे हमारी 2 और y की वैल्यू आगे हमारी यहाँ पे 3। अब स्टूडेंट्स ये वाला रूट वाला क्वेश्चन, √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ले ली। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करता हूँ, देन वी गेट द x की वैल्यू -√3y / √2। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हमारा बनेगा √3 - √3y / √2 - √8y = 0। तो यहाँ से √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा हमारा 3, और वो भी माइनस का। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बनेगा हमारा -3y - √16y = 0। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, तो बन गया, तो यहाँ पर जो √2 था वहाँ 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, यहाँ बन गया हमारा -7y = 0, यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब हमने y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करा तो हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 0। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 3x / 2 - 5/3 = -2 एंड x / 3 + y / 2 = 13/6। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ बना हमारा 9x - 10y / 6 = -2 यानी 9x - 10y = -12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन वी गेट द सेकेंड इक्वेशन बाय सॉल्विंग फ्रैक्शन 2x + 3y = 13, बिकॉज डिवाइड बाय, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, 6 ने 6 को काट दिया। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के बाद ये -10y + 10y हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -12 + 10y / 9, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो हमें मिला 2 - -12 + 10y / 9 + 3y = 13, यहाँ से आ गया हमारा -24 + 20y / 9 + 3y = 13। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आया हमारा -24 + 20y + 27। अब यहाँ 9 डिवाइड में था वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो बना हमारा 47y = 117 + 24 यानी कि 47y = 141। अब यहाँ से 47 ने 141 को काटा 3 पे, तो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 3। अब हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करा,
तो हमारे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो आएगी हमारे यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अब हमें दो इक्वेशन दे दिए, एक रिलेशन दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी 2x + 3y = 11 और अगली हमने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया तो हमारी इक्वेशन बनी x - 2y = -12। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं जो बनी हमारी -12 + 2y, थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो बना हमारा -24 + 4y + 3y = 11। अब यहाँ माइनस का 24 था, वहाँ प्लस का हो गया तो बना हमारा 7y = 11 + 24 यानी 7y = 35। 7 to 35 कैंसिल आउट, वी गेट y = 5। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम इस रिलेशन में पुट कर देते हैं वाई की वैल्यू 5, एक्स की -2 और ये तो हमारा ऐसे कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यहाँ पर जाके इसको कैंसिल आउट कर दिया तो बना हमारा 2 = -2m। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब माइनस यहाँ पर माइनस हमने यहाँ भेज दिया तो हमारी m की वैल्यू आ गई हमारी -1। स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को शेयर करें और आपको कैसा लगा ये देख के प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।